उस यात्रा में जो मणिपुर से चालू हुई है मुंबई तक, हम सब हमारे जैसे बहुत से उनके समर्थक लगातार चल रहे हैं और ऐसी यात्रा में हर देश के वासी को अपना सहयोग देना चाहिए। जब सत्ता के सिंहासन से अन्याय की बातें होने लगे तब जनता का यह कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें खुद से संघर्ष करना होगा। गाँव में हार जीत होती है पर न्याय के संघर्ष में हमेशा डटे रहना, यही राहुल गांधी की नीति है। इतनी डिग्रियां लेने के बाद आज सड़क पे बैठकर यदि पकोड़ा तले या ठेला ढकेले या रोजगारी करे, मजदूरी करे, तो आपको लगता है ये लोगों के साथ न्याय है? अगर ऐसा न्याय है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ये कहीं से लोगों के साथ न्याय नहीं है, ये उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। बदक के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी गांधी परिवार का सदस्य है, राजनीति उनके विरासत में मिली है। जिनको अपनी डिग्रियों का ज्ञान नहीं वो ये बताएंगे कि ज्ञान नहीं है राहुल गांधी के पास। जिस आदमी ने कैम्ब्रिज से पढ़ा, जिसके ज्ञान का डंका दुनिया में बजता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से चालू हुई है, राहुल जी ने इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी जब कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। अभी फिर जब वो युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए, किसानों को उनके फसलों का सही दाम समर्थन मूल्य में सरकार खरीदी करे इस बात के लिए, और इसी के साथ देश के अंदर विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग, उनकी एक गणना कराकर देश के अंदर उनके उत्थान के लिए जो पॉलिसीज बनेगी उसके लिए उनकी जनगणना कराने की जो मांग को लेकर सभी वर्गों के साथ सम्मान और न्याय करने के लिए जो मांग रखे हैं राहुल जी, उस यात्रा में जो मणिपुर से चालू हुई है मुंबई तक, हम सब हमारे जैसे बहुत से उनके समर्थक लगातार चल रहे हैं और ऐसी यात्रा में हर देश के वासी को अपना सहयोग देना चाहिए। जब सत्ता के सिंहासन से अन्याय की बातें होने लगे तब जनता का यह कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें खुद से संघर्ष करना होगा अपने न्याय के लिए और राहुल जी के साथ इस वक्त साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। इस यात्रा का जो है 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या इस यात्रा का उस चुनाव पर असर पड़ने वाला है? ये देखिए, चुनाव हर 5 साल में आते रहते हैं, चुनाव इसके बीच में भी कई बार आते हैं। चुनाव एक अपना अलग मुद्दा है और सामाजिक न्याय और जनता को न्याय दिलाने का मुद्दा अपना एक अलग मुद्दा है। चूंकि राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ना उनका फर्ज है, कर्तव्य है, लेकिन जो न्याय की बात है वो चुनाव के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। चुनाव में हार जीत होती है पर न्याय के संघर्ष में हमेशा डटे रहना, यही राहुल गांधी की नीति है। कि यार, न्याय की बात तो भाजपा भी करती है कि अगर सरकार रहेगी तो फिर से न्याय मिलेगा, महिलाएं खुश हैं, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? यदि अगर आपका प्रधानमंत्री एक जगह पे बैठ कर ये बोले, बाहर पकोड़े तलने वाला व्यक्ति वो हम रोजगार के रूप में मानते हैं, आप एहसास कर सकते हैं एक व्यक्ति जो बी या एमबीए करने के बाद अपने पेट को चलाने के लिए यदि किसी दुकान के सामने पकोड़े तलता है, वो उसका रोजगार नहीं, उसकी मजबूरी है। वो बेचारा अपना घर ईमानदारी के साथ चलाने के लिए इतनी डिग्रियां लेने के बाद आज सड़क पे बैठ कर यदि पकोड़ा तले या ठेला ढकेले या रोजगारी करे, मजदूरी करे, तो आपको लगता है ये लोगों के साथ न्याय है? अगर ऐसा न्याय है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ये कहीं से लोगों के साथ न्याय नहीं है, ये उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। सबका विकास की बात करती है इसके? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करती होती तो आज मणिपुर पे शांत नहीं बैठे होते। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? सबका साथ और सबके विकास की बात करते रहते तो इतने बड़े किसान वर्ग जो देश का 70% होता है, वो अपनी मांग के लिए सड़कों पे खड़े हैं, दिल्ली में अपनी बात रखने नहीं आ पा रहे हैं। जो उन्होंने उनके लिए सरहद तैयार की है, जो खीले लगाए हैं, जो फोर्सेस बैठाई है, मैं समझता हूँ उतने भयानक तैयारी तो कभी पाकिस्तान की सरहदों में भी नहीं होती होगी। अपनों के बीच अपनों के साथ बात करने में जब पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री को डर लगे और ये बोले कि मैं इनके बीच से बच के आ गया, तो आपको लगता है ये अपनों का साथ और अपनों का विकास की बात हो रही है? ऐसी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है
और किसानों की बात करना, युवाओं के रोजगार की बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, यदि आपको लगता है कि ऐसी बातों के साथ आज राहुल गांधी आप देख रहे हैं सड़कों पे निकले हैं, एक इतना बड़ा नेता और इतने मैंने परिस्थितियां देखने के बाद जिसकी दादी 32 गोलियों के साथ छलनी हुई, जिसने अपने बाप के शरीर का छत विछत हिस्सा उठा करके लेके आया, वो आज जनता के बीच इतना निर्भीक होकर के घूम रहा है, जबकि यही इतनी सिक्योरिटी के बीच मोदी जी पंजाब के ओवरब्रिज में खड़े होकर बोलते हैं मैं अपनी जान बचाकर भाग के बच के आ गया। पंजाब के अंदर अपने लोगों के बीच बच के आना, ये कैसा सबके साथ सबका विकास की बात है? हम ऐसी बातों के साथ मैंने इसको सिर्फ जुमला ही मानते हैं। भाजपा कह रही है इसी को देखकर कि जो राहुल गांधी है उनको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बदक के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी गांधी परिवार का सदस्य है, राजनीति उनके विरासत में मिली है। नेहरू जी ने जो देश को मजबूती दी, इंदिरा जी ने देश को जिस तरीके से नारी शक्ति का मान बढ़ाया, दुनिया के अंदर नारी शक्ति का मान बनाने वाली महिला, भारत का नाम ऊंचा करने वाली महिला, राजीव जी ने जिस तरीके से देश में IT सेल और युवाओं को जो उनके हक की बात करके आज देश को यहाँ पहुँचाया, उस परिवार के व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करने की बात करते हैं, अरे वो तो अपने आप पैदा ही राजनीतिक परिवार में हुआ है। आपको एहसास है गांधी परिवार का सम्मान दुनिया में किस तरीके से है? गांधी परिवार दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार गांधी परिवार है, और उसकी विरासत संभालने वाले आदमी को राजनीति सिखाना या स्थापित करने की जरूरत है। आज देख रहे सड़कों पे लोग गांधी परिवार के राहुल गांधी को देखने के लिए किस तरीके से साथ है। इन सब के बाद उनके मुद्दे, उनमें जो मादा है, उनके जो मुद्दे हैं, वो जनता को दिल पे छू रहे हैं। आज के हालात में वो सड़कों पे उतरे हैं, ऐसे नेता की इस वक्त हमारे देश को जरूरत है। लेकिन भाजपा कहती है राहुल गांधी को ज्ञान की जरूरत है, उनको ज्ञान की यात्रा निकालनी चाहिए। ज्ञान की यात्रा निकालनी चाहिए राहुल गांधी को, भाजपा कहती है ज्ञान की कमी है उनके अंदर। जो आप ज्ञान का क्राइटेरिया कैसे मानते हैं? क्या यह संभव है कि एक अनपढ़ आदमी को माइक पकड़ा दे और वो देश के मुद्दे पे बात कर सके? आप जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही देश की बात कर सकता है। आज सारे चीजों का जो क्वालिफिकेशन उनके उनके ज्ञान की बात, जिनकी डिग्री का पता नहीं, जिनकी डिग्री गृह मंत्री आके बताता है कि वो ये पढ़े और वो पढ़े, जो ये बोलते हैं कि आप बारहवीं के बाद जब 10वीं पढ़ोगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, जिनको ये नहीं मालूम 10वीं पहले होती है कि 12वीं पहले होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि बीए पहले किया जाता है कि एमए पहले किया जाता है, जिनको अपनी डिग्रियों का ज्ञान नहीं, वो ये बताएंगे कि ज्ञान नहीं है राहुल गांधी के पास। जिस आदमी ने कैम्ब्रिज से पढ़ा, जिसके ज्ञान का डंका दुनिया में बजता है, जिसने जब लॉकडाउन का वक्त था कोविड का, उसने देश को बताया रघुराम राजन के साथ, जो उनकी चर्चा है कभी उठा के देखना, वो दुनिया के बड़े प्रबुद्ध जीवियों के बीच की चर्चा थी जो दुनिया मानती है। जब कोविड का एहसास हुआ उनको, उन्होंने देश को बताया, और जब नोटबंदी की बात हुई उन्होंने दुनिया को बताया कि आपका GDP इतना गिरेगा। उस आदमी के ज्ञान पे आपको शंका है तो फिर आपको अपने ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या लग रहा है 2024 चुनाव पे कुछ असर पड़ने वाला है? बदलाव होगा इसमें? बदलाव तो होना है देश के अंदर। अगर कुछ बातें हैं, देखिए, जब जनता को यह शक है कि EVM के माध्यम से सरकारें बन रही है, तो अगर इनमें ईमानदारी है, इनमें न्याय है थोड़ा भी, तो आज EVM हटा करके कांग्रेस के मुद्दों के सामने आकर के चुनाव लड़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार राहुल गांधी के साथ ही बड़े एक अच्छे नंबर के साथ इस बार इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, नारे देने में कोई बात नहीं, आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो EVM हटा के अपने एक्चुअल फाइट पे आ जाए, उनको पता लग जाएगा कि उन लोग 290-92 में जो सीट पे है, एक वक्त जब उन लोग 1990 में जिस सीट पे थे ना, उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। आज जब EVM पे शक होकर के माना जा रहा है कि सरकारें EVM से बन रही है, तो उनको क्लियर बैलेट पेपर पे आके चुनाव करा लें, उनको समझ में आ जाएगी कि राहुल गांधी के साथ जनता कितनी है। मोदी के टक्कर में वाकई में उनके टक्कर में सिर्फ एक ही जनता, वो था जर्मनी का हिटलर। वो और मोदी दोनों की तुलना ही की जा सकती है।
उसके बाद लोकतंत्र के अगर बात करें, लोकतंत्र की दुनिया में, लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म में मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। वो हिटलर चाहिए कि टक्कर में वो और हिटलर की तुलना की जा सकती है, लोकतंत्र में मोदी की तुलना की ही नहीं जा सकती। विकास तो कर रहे हैं ना मोदी जी, विकास तो किया है ना। आप विकास किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति जो बेचारा पहले 450 में अपने रोज सिलेंडर लाते थे, जिन लोग अपने कुछ चंद पैसों में मेहनत और ईमानदारी के पैसों में ईमानदारी के साथ अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते थे, वो लोग आज घर कैसे चला रहे हैं जाकर के पूछिए। आप विकास किसको बोलते हैं? किस क्षेत्र में विकास आपने देखा? मेरी नजर में विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर गरीब भूखा नहीं सो पा रहा है, गरीब को राशन मिल रहा है, भूखा नहीं सो पा रहा है, गरीब रोजगार की बात कर रहे हैं। भाई यही तो है ना कि आप ये बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन महीने का दे रहे हैं और उसमें विकास हो रहा है, तो ये ऐसे विकास पर थू है। आप उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए क्या चीज अपना रहे हैं ये देखिए। हाँ, विकास हो रहा है देश के अंदर, अडानी दुनिया के टॉप मोस्ट लिस्ट में आ रहा है रईसों के, अंबानी की शादियां देख रही है दुनिया, 70 करोड़ का उनके यहाँ डांस कैमरे हो रहा है, डांस हो रहा है। तो विकास उन लोगों का चंद 20-25 लोगों का हो रहा है, बाकी देश की पूरी जनता हाहाकार मचा के रखी हुई है। ना न्याय की कोई बातें हैं, ना उनके बुनियादी जरूरतें और सुविधाएं की कोई बातें हो रही है। ऐसा विकास, खोखला विकास, 25 लोगों का विकास है बस सुचंद उद्योगपति। क्या लगता है कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है 2024 में? इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट आएगी, राहुल गांधी जैसा नौजवान जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, जो दुनिया के अंदर देश का नाम ख्याति स्थापित कर सकता है, वैसा व्यक्ति ही देश को फिर से चला सकता है। इतनी बड़ी तादाद, दुनिया के दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश भारत, उसको चलाने के लिए आपको एक समझदार, पढ़ा लिखा, साफ, ईमानदार आदमी चाहिए, ना कि चंद 25 लोगों के पॉकेट में रख करके सरकार चलाने वाला व्यक्ति। जो भी विकास हो रहे हैं, जो तरक्की हो रही है, वो सिर्फ उन 25 लोगों की हो रही है जिनके लगातार, आप एक बात बताइए, सरकारी बैंक से लोन लेकर सरकारी कंपनियों को खरीद कर अपने फायदे में चलने वाले वो 25 लोगों के विकास को विकास मानते हैं, तो ऐसे विकास पे लानत है। और जिस देश के अंदर अनेकता में एकता है, भाईचारा है, हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर संस्कृति के लोग रहते हैं, आप मणिपुर में देख करके आइए, इंसान इंसान को काटने के लिए तैयार बैठा है। जब मणिपुर की बात होती है, मोदी जी, अमित शाह अपना मुंह घुमा लेते हैं, धर्म के आधार पर बात करते हैं। जब जब बात होती है कश्मीर की, बड़े गर्व से बताते हैं, एक बार घूम के देख के आइए कश्मीर के हालात, कश्मीर के लोगों की बातें सुनिए। इतनी बड़ी दुनिया देश है जो हमारा ना, वहाँ पे आपको जब भी कोई बड़े फैसले लेने हैं, चाहे वो CA NRC पे हो, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो, हर मुद्दे पर आपको देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के फैसले करिए, निश्चित रूप से देश तरक्की और विकसित होगा।